कांग्रेस ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीद जताई थी, जहां पहले बीजेपी, आरएलडी और निषाद पार्टी का कब्जा था। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगा है। 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस इंडिया गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। एट नाइन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ काजोल। यूपी, महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस को अब तक की सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ने का समझौता करना पड़ा है। क्या ये कांग्रेस की कमजोरी है या गठबंधन की सियासी मजबूरी? पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीद जताई थी, जहां पहले बीजेपी, आरएलडी और निषाद पार्टी का कब्जा था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को केवल गाजियाबाद और खैर सीटें दी, जो कांग्रेस के लिए असुविधाजनक मानी जाती हैं। खैर सीट पर कांग्रेस को पिछले 44 सालों से जीत नहीं मिली है और गाजियाबाद में 22 सालों से कांग्रेस ने चुनाव नहीं जीता है। इन सीटों को लेकर कांग्रेस ने चुनाव से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। नतीजतन समाजवादी पार्टी अब सभी 9 सीटों पर अपने दम पर साइकिल चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में उतरेगी। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर यह भी कहा कि सीट का सवाल नहीं, जीत का सवाल है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस के साथ खड़े होने से सपा की ताकत कई गुना बढ़ गई है और इस बार यूपी में इंडिया गठबंधन की जीत पक्की है। लेकिन हकीकत ये है कि कांग्रेस उपचुनाव में एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगा है। 288 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 255 सीटों पर इंडिया गठबंधन के तहत सीट बंटवारे का समझौता हुआ है। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी के बीच 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ने का फॉर्मूला तय हुआ है, लेकिन कांग्रेस अपने लक्ष्य 105-110 सीटों तक नहीं पहुंच पाई है और 100 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी है। 2009 में कांग्रेस ने 170 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 2014 में 287 सीटों पर और 2019 में 147 सीटों पर, लेकिन इस बार कांग्रेस को यह सियासी इतिहास टूट गया है और उसे 85 सीटों पर ही चुनाव लड़ना पड़ रहा है। अब चलते हैं झारखंड की ओर, जहां कांग्रेस को फिर एक बार कम सीटों पर समझौता करना पड़ा। 2019 में कांग्रेस 31 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार उसे सिर्फ 30 सीटों पर ही चुनाव लड़ने का मौका मिला। झारखंड में जेएमएम गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, जबकि कांग्रेस यहां छोटे भाई की भूमिका में नजर आ रही है। झारखंड की कुल 81 सीटों में से जेएमएम 41 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 30 पर और बाकी सीटें आरजेडी को और माले को मिलेगी। ये पहला मौका है जब कांग्रेस को झारखंड में इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। कांग्रेस के लिए स्थिति चिंता का विषय है। नरेंद्र मोदी के केंद्रीय राजनीति में आने के बाद से कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं राज्यों में भी। हरियाणा चुनाव की हार के बाद कांग्रेस पर सवाल खड़े हो गए थे और अब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को बार बार सीटों पर समझौता करना पड़ रहा है। तो अब सवाल उठता है, क्या कांग्रेस इस सियासी दबाव के बीच अपने पैरों को फिर से खड़ी हो पाएगी? क्या गठबंधन की मजबूरियों के चलते वो अपना राजनीतिक कद खोती जा रही है? यूपी, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजे कांग्रेस के लिए एक बार फिर से बड़ी परीक्षा साबित हो सकते हैं। आपका क्या सोचना है हमें कमेंट में जरूर बताएं।